गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। हमने पिछली क्लास में अपनी एक्सरसाइज 6D कंप्लीट कर ली थी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू राउंडिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शंस का राउंडिंग ऑफ हम सीखने वाले हैं। तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट वन में राउंड ऑफ कैसे करते हैं, मतलब जैसे हमें 49.37 अगर दिया हुआ है तो इसे हम राउंड ऑफ अगर हमें करना है तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए, वाई राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन टू द नियरेस्ट वन, जब भी आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट वन में, इफ़ द डिजिट इन द टेंथ प्लेस इज लेस देन 5, देन द टेंथ प्लेस एंड ऑल द फॉलोइंग प्लेसेस आर रिप्लेस्ड बाय 0। तो इन दैट केस आपको टेंथ डिजिट जो है वो चेक करनी है। अगर वो 5 से कम है तो उस केस में आप जो भी डिजिट्स डेसिमल के बाद दी हुई हैं उनको 0 से रिप्लेस कर दोगे, और जो आपकी डेसिमल से आगे वाला पार्ट है, इट मींस 49 है ना, तो 49 को एज इट इज़ नोट डाउन कर दोगे। लेकिन अगर आपका जो नंबर पॉइंट के बाद गिवन है, पॉइंट के बाद जो टेंथ प्लेस पर डिजिट है, वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद वाली चीज़ों को तो 0 से रिप्लेस कर दोगे, लेकिन डेसिमल से पहले, इट मींस जो आपकी वंस प्लेस पर डिजिट है मतलब 6, तो उसे +1 कर दोगे, तो 96 की जगह 97 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, आपको एक डेसिमल प्लेस तक करेक्शन करना है। व्हेन द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस, जब कभी भी इस तरीके से आपको बोला जाए वन डेसिमल प्लेस पे करेक्शन कीजिए, इन दैट केस व्हेन द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस इज लेस देन 5, तो 100 प्लेस एंड द फॉलोइंग डिजिट्स को 0 से रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 14.732 है ना, तो अब यहाँ पर देखिए 100 प्लेस पर 3 है। अब 3 को चेक करना है, क्या ये 5 है या 5 से ज़्यादा है, नहीं है, इन दैट केस आपको 100 और इससे आगे वाली सारी डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर देना है, और जो 10th प्लेस है उसको एज इट इज़ लिख देना है। तो 14.700 इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर 100 प्लेस 5 है या 5 से ज़्यादा है, इन दैट केस यू हैव टू ऐड 1 इन 10th प्लेस एंड द रिमेनिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल विच इज़ 100s, 1000s और आगे की जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपको 0 से रिप्लेस कर देना है। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसका मतलब है कि आपको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स पॉइंट प्लेस चाहिए, मतलब 10s एंड 100s चाहिए, तो इसका मतलब आप 1000s प्लेस को चेक करने वाले हो। तो 1000 प्लेस पे आपकी जो भी डिजिट है उसे चेक करोगे, अगर वो 5 से कम है, इट मींस वो 5 से कम है, तो आप 1000 प्लेस को 0 से रिप्लेस करोगे और 1s और 100s प्लेस को एज इट इज़ लिख दोगे। लेकिन अगर वो 5 है या 5 से ज़्यादा है, इन दैट केस यू हैव टू ऐड 1 इन 100s प्लेस एंड यू हैव टू रिप्लेस द रिमेनिंग डिजिट आफ्टर द 100s प्लेस बाय 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 6E अटेम्प्ट कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू PDF, बट यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।